हम खड़े हैं सिविल हॉस्पिटल में, दो ऐसे युवक आए हैं जो बुरी तरह से यानी कि जिनके चोटें लगी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये बलेरो गाड़ी के अंदर, इनके साथ एक ड्राइवर था और ये हड़ोदी गांव दादरी के पास के रहने वाले हैं और हांसी बरवाड़ा रोड पर एक गांव है वहां गए थे, वहां पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद गांव वालों ने यानी कि इनको बुरी तरह से मारा है और ड्राइवर वहाँ से फरार हो गया है। गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ दिया गया है, वहीं गाड़ी पड़ी है, बलेरो गाड़ी है और एक का नाम अमन बताया जा रहा है, दूसरे का नाम है रणजीत। ये दोनों हड़ोदी गांव दादरी के पास के हैं और जो ड्राइवर था वहाँ से फरार हो गया है। इसके पीछे क्या कहानी है और क्यों गांव वालों ने इनके घेर के मारा है, यह तो पुलिस अभी पता लगाने पर लगी है। जैसे ही 112 डायल किया गया तो पुलिस इनको हॉस्पिटल में लेके आई। डॉक्टर ने बताया कि दोनों की हालत यानी कि गंभीर बताई जा रही है, काफ़ी इनको इंजरी आई हैं, इनके काफ़ी चोटें मारी गई हैं, हो सकता है इनको हिसार रेफर कर दिया जाए। इसके पीछे क्या राम कहानी है यह तो पुलिस तफ्तीश से बताएगी। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर है, काफ़ी चोटें आई हैं। हम बैठे हैं सिविल हॉस्पिटल में, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजय वर्मा। डॉक्टर वर्मा, दो ऐसे एक्सीडेंट केसेस आए हैं जिसे हम कैजुअलिटी भी कह सकते हैं, ये क्या है, कितनी इंजरी है और कहाँ से आए हैं और कौन लेके आया है इनको? दो पेशेंट अभी कैजुअलिटी में आए हैं, मल्टीपल इंजरीज हैं और ब्रॉड बाय पुलिस है, 112 नंबर लेके आई है, अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं पेशेंट्स ना, अभी उन्हीं की फाइल वगैरह हम प्रिपेयर और वो कर रहे हैं, फर्स्ट एड वगैरह और एडमिशन के लिए करने लग रहे हैं। नहीं, फर्स्ट साइट के अंदर उनकी क्या मिजरेबल पोजीशन है, क्या है, क्या स्टेबल है या अभी इंजरीज काफ़ी हैं, अभी पूरे ट्रीटमेंट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, अगर ज़्यादा और लगेगा तो हम हिसार के लिए देखेंगे, बाकी ट्रीटमेंट के लिए सारा कुछ करने के बाद ही बता सकते हैं। अच्छा, मेरा नाम रणजीत है जी। रणजीत है, कौन सा गांव है? मेरा गांव हड़ोदी है जी। तेरे साथ में अमन भी था क्या? हाँ जी, अमन भी है जी। कौन सी गाड़ी में थे जी? बलेरो गाड़ी है जी, 1258 नंबर लास्ट में जी। कितने जने थे? हम तीन जने थे जी, एक ड्राइवर था जी। कड़े गए थे कौन से गांव में जी? गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा अभी जी, चोट अपीड फार्म था जी। अच्छा, के कौन गए थे जी? ये बोल रहा था या मैंने कि मेरी सिस्टर की शादी हो रखी है, वहाँ मेरे को मिलने जाना आ रहा जी, मैं गाड़ी करके लेके गए हुए थे हमारी जी। अच्छा, हाँ जी। कितना मारे फिर? पता नहीं जी, गांव वाले थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा चोट मार दी जी। क्यों मार दी? गाड़ी एक साइड में खड़ी हुई थी जी और कोई मैटर नहीं था जी। हाँ, बहुत। अच्छा, तीसरा कौन है? तीसरा एक ड्राइवर है जी, नाम है उसका जी, कलिया नाइया का है जी हमारा ये जी। कौन से जिले में पड़ा है जी? चरखी दादरी जिले में पड़ता है जी। के कौन गए थे उड़ा? या तो झूठी बात है कि भी और बता जी। यही दिक्कत है जी, ये बोल रहा है कि मेरी सिस्टर की शादी हो रखी है बापोड़ा, ये जी बोल रहा था मेरी रिश्तेदारी में जाना है जी, इसलिए बलेरो करके लेके गए थे जी। बापोड़ा तो है नहीं, बिड फार्म है जी, इसकी सिस्टर की शादी है बिड फार्म है, बाकी इनका कोई आपसी संबंध होगा जी। अच्छा, हाँ जी, पता नहीं क्या था क्या नहीं। तो लड़की लड़की का संबंध था? नहीं जी, हमारे साथ तो कोई नहीं था, इसके इसका पता नहीं जी। ये बोल रहा है मेरी सिस्टर की शादी हो रखी है, मेरी सिस्टर वहाँ गई हुई है, वहाँ जाना है जी, यही मैटर है जी। हम वहाँ जाके खड़े हुए जी, वहाँ पर पता नहीं एकदम गाँव वाले आए, गाँव वाले तो क्या है पता नहीं, इनके रिश्तेदार आए क्या, उन्होंने लठबारी कर दी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गाड़ी की शीशे शीशे फोड़ दिए, और कोई नहीं था जी गाड़ी में, हम तीन ही लोग थे जी। वो जो ड्राइवर है वो भी हड़ोदी का? हाँ जी, वो ड्राइवर था, वो पता नहीं उन्होंने कहाँ फेंक दिया है, क्या कर दिया उनके साथ पता नहीं जी।